हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेट रिलेशन एंड फंक्शन। काफ़ी अच्छा टॉपिक रहेगा, ठीक है। आखिरी हमने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आपका 11th और 12th, दैट मीन्स आपका जो PGT लेवल वाले कैंडिडेट हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। आज दोनों का लेक्चर है, TCT और PGT दोनों का, क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन 11th 12th का पहला चैप्टर है, आपको पता होगा। तो जो आखिरी क्वेश्चन था वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो आज का सॉल्यूशन है 13, ठीक है। और सेट रिलेशन फंक्शन आज के टॉपिक का नाम है। पढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ आने वाले स्टेट के लिए ही नहीं, आने वाले अपकमिंग एग्जाम जो भी होंगे, DSSB आएगा 2022 में, और आने वाले 2022 में जितने भी एग्जाम हैं, KV आएगा, NV, जो भी एग्जाम आएंगे, एकलव्य वाला एग्जाम भी आपका 2022 में होगा, तो जितने भी एग्जाम हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर्स। ये आपके एप्लीकेशन पे बैच है, ठीक है। एप्लीकेशन पे जो कंप्लीट एक एक कंटेंट डला हुआ है ये सारे बैच उसके हैं, आप देख लेना एप्लीकेशन को, डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 15 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आखिरी क्लास जो हमने की थी वो थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका अपलोड हुआ है एप्लीकेशन पे, ठीक है। ये क्लास यूट्यूब पे नहीं थी, ये एप्लीकेशन पे है। और स्टार्ट करते हैं आखिरी क्वेश्चन को, एक सेकेंड रुकिएगा, स्क्रीन फुल कर देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा आखिरी टॉपिक था उसका, ए लाइन इंटरसेक्ट ऑन द इन द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। पहले सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाओ, ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। कह रहा है एक लाइन इंटरसेक्ट करती है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को पी और क्यू पॉइंट पे, पी और क्यू पॉइंट पे, ठीक है। और हमें दे रखा है इफ 2 और -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी और क्यू। देखो यहाँ से देखना है, अब हम लाइन ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, या फिर ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, या ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, कैसे बनाएं, वो चीज़ हमें कौन बताएगा? आगे जो हमें बात बता रखी है इससे पता चलेगा। अभी उसने ये कह दिया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है, बड़ा अच्छा लेक्चर है। तो इंटरसेक्ट करती है पी और क्यू पॉइंट पे, और वो पी और क्यू का जो मिड पॉइंट है वो है 2 और -5। तो यहाँ से हमें हिंट मिल गया, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, 2 और -5, 2 का मतलब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पॉइंट, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पॉइंट 2 मतलब ये वाला पॉइंट, और -5 बोले तो वाई एक्सिस का नीचे वाला पॉइंट, ये वाला, ये 2 पॉइंट है एक्स एक्सिस का, ये -5 है वाई एक्सिस का। तो ये हमारी यहाँ से ऐसी लाइन जा रही है, और इफ 2 और -5 जो है वो है 2 और -5 का मतलब समथिंग यहाँ पे जो पॉइंट है 2 और -5 का। अब वैसे ये ऐसे भी नहीं बनेगा, इसका एग्जैक्ट अगर लाइन बनाए ना, पता कैसे बनेगी, एक सेकंड रुकना, ये 2 है, ये -5 है, तो 2 और -5 का पॉइंट समथिंग ये वाला है, मतलब कि ऐसे होता है ना जो इन दोनों को जोड़ता है, ये वाला पॉइंट। तो ये है हमारा मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, तो समथिंग लाइन आपकी ऐसे जाएगी, क्लियर है। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है 2 और -5 का, पी पॉइंट है ये, ठीक है। पी पॉइंट नहीं लेना, सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ पी और क्यू, मतलब कि ये पी है और ये क्यू है, पी और क्यू, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। एक बार दोबारा बनाते हैं डायग्राम, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये पॉइंट है मेरा 2, ये पॉइंट है मेरा -5, इन दोनों को पॉइंट कनेक्ट कर रहा है ये वाला। मैं थोड़ा डायग्राम यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लो ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। डायग्राम अच्छे से बनाना है, ये पॉइंट है 2 और -5, और ये वाला पॉइंट है हमारा पी, ये वाला पॉइंट है हमारा क्यू। इस पी को नाम देंगे, देखो पी पॉइंट वाई लाइन पे है ना, तो इसका एक्स एक्सिस 0 होगा, ये 0 और y, क्यू पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स और 0, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। अब करते हैं क्वेश्चन को, अपने को बताना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट, ये पी और ये क्यू। तो ये पी के कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मतलब कि 0 और y बताना है, और एक्स एक्सिस यहाँ से एक्स बताना है, और वाई एक्सिस पे 0, ठीक है। तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट हमें बताने, क्वेश्चन समझ आया। अब हम निकालेंगे कैसे इसको, कोई भी पॉइंट मान लो इसको,
ए बी सी डी मान लो ए ले लो, कुछ भी ले लो, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये सेंटर पॉइंट है दो, इस दो को क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, जीरो प्लस एक्स बाय टू इक्वल टू टू, और यहाँ से जीरो प्लस वाई बाई टू इक्वल टू माइनस फाइव, यहाँ से एक्स और वाई निकालना है बस। क्वेश्चन में मतलब डायग्राम में समझना था, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, ईजी है। एक्स कितना आ जाएगा चार, वाई कितना आ जाएगा माइनस दस, आंसर आ गया एक्स चार वाई माइनस दस। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, जीरो और माइनस दस, तो देखो जीरो और माइनस पाँच, जीरो और दस, जीरो और चार, ये रहा जीरो और माइनस दस, और इसके कोऑर्डिनेट चार और जीरो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन, क्लियर। इसके बाद है आज का टॉपिक सेट रिलेशन, पहले क्वेश्चन में देर लग गई, वो पूरा टॉपिक अच्छा था, सेट रिलेशन और फंक्शन। ए हमें दे रखा है माइनस वन और वन, और ब्रैकेट कैसी है क्लोज, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, माइनस वन भी काउंट होगा वन भी काउंट होगा, ठीक है। एफ ऑफ दे रखा है, ए से ए पे डिफाइन कर रखा है, इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एक्स मोड एक्स, और हमें एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, और हमें एफ ऑफ एक्स बताना है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो जब भी हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स मॉड एक्स, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जब हम मॉड एक्स को हटाएंगे, आपको पता है प्लस माइनस होता है, तो एक बार एक्स स्क्वायर और एक बार माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कब, जब एक्स जीरो और जीरो से बड़ा हो, और जब जीरो से छोटा हो तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं आपको इसका चेयर रफली ग्राफ बना के भी दिखाती हूँ, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हमें बताना है एफ ऑफ एक्स जो है, जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। तो मान लो हमने कोई वन वैल्यू ली, मान लो, तो देखो यहाँ पे ये हमने x लिया, ये x डैश लिया, ग्राफ से क्लियर करते हैं, ये y लिया, ये y डैश लिया, ठीक है। तो देखो अगर 0 और 0 से बड़ी वैल्यू, 0 और 0 से बड़ी वैल्यू, अगर मैं एक वैल्यू रखूँ, अगर मैं x1 रखूँ, तो एक्स स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1, अगर हम 1 रख रहे हैं, यहाँ पे x1 रखा, तो हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अच्छा। और अगर माइनस 1 रखूँ, तो माइनस वन पे भी हमारा कितना हो जाएगा, माइनस वन रखूँ यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ से भी वन और यहाँ से माइनस वन, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा माइनस वन का, यहाँ वाला, ये वाला पॉइंट, ठीक है, हाँ यहाँ पे माइनस वन। तो इसका ग्राफ हमारा किस टाइप का बनेगा, समथिंग लाइक इस टाइप से ग्राफ जाएगा, ठीक है, ये हमारा वन का और ये हमारा माइनस वन का, ठीक है। तो हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर गया, एक और माइनस एक के बीच में, ठीक है, माइनस वन और वन के बीच में जब हमारा एक्स बिलोंग कर गया, तो हमारा एफ ऑफ एक्स भी किसके बीच में बिलोंग कर गया, वन और माइनस वन के। कैसा हो गया फंक्शन, फंक्शन हमारा वन वन और ओन टू दोनों हो गया, अच्छा ये तो इन टू है ना, वन वन और ओन टू, ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा वन वन और ओन टू दोनों है, ठीक है। सेट रिलेशन फंक्शन वाला याद है ना, सेवन लेक्चर्स के अंदर पहला टॉपिक जो है सेट रिलेशन फंक्शन, इलेवन ट्वेल्थ वालों को सात लेक्चर्स के अंदर पूरा कराया था, और बहुत अच्छे से एक एक चीज को डिटेल में समझाया था। ये जितने भी पॉइंट आप, मैं यहाँ पे नहीं क्लियर कर रही, आपका मैनी वन फंक्शन, इन टू फंक्शन, वन वन, इन टू, ओन टू, मैनी वन, ओन टू, सभी फंक्शंस को वहाँ पे डिटेल में क्लियर कराया था विद डायग्राम्स। अभी इतना टाइम नहीं है, देखो अभी दो ही क्वेश्चन में कितना ज़्यादा समय लग चुका है। एक सर्टेन टाउन है, क्योंकि अभी अर्थमेटिक मैथ्स को भी सोच रही हूँ लेने की, और इंग्लिश हिंदी भी थोड़ा थोड़ा, और सी डी पी सेक्शन आपका रिवाइज हो जाए, तो वो सारी चीज़ें अगर करानी है तो समय को देखते हुए लेक्चर छोटे बनाने होंगे। 25% फैमिलीज ओन ए सेल फोन, ठीक है, सबसे पहले एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम से इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। 25% फैमिली ऑन ए सेलफोन, 25% 15% फैमिली ऑन ए स्कूटर, ये फोन वाले हैं, 15% स्कूटर वाले हैं, और 65% फैमिली ऐसी हैं जो नीदर सेलफोन नोर स्कूटर, मतलब जो ये यूनिवर्सल है, तो ये 65% ऐसे हैं यूनिवर्सल के, ना तो सेलफोन ना ही स्कूटर लेते, ठीक है, मतलब ना उनके पास स्कूटर है ना ही सेलफोन है। 25% फैमिली ऐसी हैं जिनके पास सेलफोन है, 15% फैमिली ऐसी हैं जिनके पास स्कूटर है, 65% के पास कुछ भी नहीं है। अगर 1500 फैमिलीज ऑन बोथ ए सेलफोन एंड ए स्कूटर, अच्छा 1500 फैमिलीज, देखो यहाँ परसेंटेज है 25%, 15%, 65%,
यहाँ है 1500 फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज जिनके पास सेलफोन भी है और स्कूटर भी है। तो जो ये कॉमन है, जो ये कॉमन है, ये कॉमन है हमारे यहाँ से 1500। तो 1500 ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन भी है, और ये डायग्राम बन जाएगा स्कूटर का, जिनके पास स्कूटर भी है। तो यहाँ से हमारा जो ये वाला पार्ट है स्कूटर वाला, वो है 15%। बात समझ में आई? 25% फ़ोन वाले हैं, इसमें भी ये कॉमन है, और इधर से मैं इसको अलग कर देती हूँ, ये ग्रीन, फ़ोन वालों में भी ये है, और स्कूटर 15% है, स्कूटर वालों में भी है। 1500 जो है फ़ोन और स्कूटर दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ क्या करना है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज बतानी है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इन द टाउन। देखो टोटल नंबर का मतलब होता है पूरा यूनिवर्सल से स्टार्ट होते हुए, इसको भी जोड़ना है, 25% को भी जोड़ना है, 15% को भी जोड़ना है, इस 1500 को माइनस कर देना है। इक्वल टू में एक्स, मतलब मैं एक्स को बराबर रखना शुरू करूँ 65% के, 65% ऑफ एक्स ले लूँ कि एक्स का 65%, एक्स मैंने टोटल ले लिया कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज मान ली मेरी एक्स है, तो 65% एक्स का प्लस में 25% ऑफ एक्स प्लस में 15% ऑफ एक्स और माइनस में 1500। यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 65/100 ऑफ एक्स प्लस में 25/100 ऑफ एक्स प्लस में 15/100 ऑफ एक्स माइनस में 1500। 1500 एक नंबर है, तो यहाँ से इसको कर दो 65, और आपका कितना हो जाएगा 25, 10, 6, 2, 8 और 1, 9 और 15, 5, 105 बाई में आपका 100 एक्स ई माइनस में 1500। तो ये आपका एक तरफ जाएगा 1500, 105 बाई 100 एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, 1500 इधर चला जाएगा। तो जब भी आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे ना, आपका आंसर आ जाएगा, इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेना, आंसर आपका 30,000 आएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 30,000। ठीक है, इसको आराम से निकाल लेना, कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन है सेट रिलेशन फंक्शन का, हमें ए बी सी दे रखा है, सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, फिर से एक यूनिवर्सल सेट यू दे रखा है, ये डायग्राम है यू, यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल, ये यू का मतलब ये यूनिवर्सल सेट होता है। उसके बाद कह रहा है ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और हमें बताना है इसमें से सी कौन सा होगा। और सी कह रही हूँ, यू जो है वो सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स है, तो करेक्ट वेन डायग्राम क्या है, तो ये करेक्ट वेन डायग्राम है, ये वाला है या ये वाला है, या चौथा ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला हमारा सही होगा, इसमें से कौन से वाला हमारा सही होगा, ये आंसर आपको बताना है। कैसे करेंगे, ए दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 10 नहीं है, 12, 20, बी दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, सी दे रखा है 5, 10, 15, 20। उसके बाद कहता है ए, देखो यहाँ पे ये ए और बी का कॉमन है, ये बी और सी का कॉमन है, ये ए और सी का कॉमन है, तो ए और सी का किसी का भी कॉमन देख लो, ए और बी का कॉमन क्या बनेगा, देखो 2 नहीं है, 4, 6 कॉमन है, एक तो ए और बी का कॉमन, ए और बी का कॉमन का मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक तो 6 है और एक 12 है, और बस, तो 6 और 12 ए और बी का इंटरसेक्शन, यहाँ सिर्फ 6 है तो ये गया, यहाँ 6 और 12 है, यहाँ 6 और 12 है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नन ऑफ द अबव गया। उसके बाद कहता है बी और सी का कॉमन देख लो, बी और सी का कॉमन क्या है, 3, 6, 9, 12 सिर्फ 15, बी और सी का कॉमन है 15, तो बी और सी का कॉमन 15, अच्छा ये तो वैसे नहीं देखना था, 15 यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे जल्दी जल्दी देखना है और आंसर निकालना है, यहाँ तो मैं थोड़ा सा टाइम ले लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ, जिनको नहीं भी आता ये चैप्टर वो भी अच्छे से समझ पाएं, एग्जाम टाइम पे टाइम ज़्यादा मत लगाना। ए दे रखा है ए बी सी डी, जब भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने होते हैं, जब भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने होते हैं, ये दे रखा है एक्स वाई जेड, तो हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं ए क्रॉस बी के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फॉर्मूला होता है ये इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना वो ले लो, जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो इन ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 3, 4 दिया 12, 12 के साथ हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, कार्डिनेलिटी। अच्छा कार्डिनेलिटी क्या होती है अभी बताती हूँ, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कार्डिनेलिटी निकालनी है, कार्डिनेलिटी भी होता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे बच रहे हैं वो होती है, तो अभी देखेंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकाल लो, ए और बी का क्रॉस, मतलब कि एक और दो और दो और तीन का ए क्रॉस बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक और दो, एक और तीन, दो और दो, दो और तीन। अगर इससे इसमें आपको कोई पूछे कि ए क्रॉस बी की कार्डिनेलिटी क्या है तो आप कहोगे एक दो तीन चार, इसकी कार्डिनेलिटी चार है। लेकिन आपको क्या बताना है, ए क्रॉस बी और इधर से ए क्रॉस सी दोनों का आंसर निकाल के उसका इंटरसेक्शन, उस पूरे की कार्डिनेलिटी। तो अभी क्वेश्चन लंबा है, ए क्रॉस सी निकालो, तो ए क्रॉस सी हो जाएगा एक और तीन, फिर हो जाएगा एक और चार, फिर हो जाएगा दो और तीन, एक और सी की कार्ड वो निकालनी है क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर दो और चार। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन किसका, इसका और इसका। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, दो और तीन कॉमन है, एक और तीन कॉमन है, तो यहाँ लिख दो इनका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन इसका एक क्रॉस तीन और दो क्रॉस तीन, बस और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसकी कार्डिनेलिटी कितनी होगी, दो। इसकी कार्डिनेलिटी कितनी होगी, दो। तो ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है, कार्डिनेलिटी इसकी होगी दो। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। इस क्वेश्चन को करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, अभी आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, ए का क्रॉस करना है बी यूनियन सी, पहले बी और सी का यूनियन निकाल दो। यूनियन होता है दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन मतलब दो तीन तीन एक ही बार लिखेंगे और चार, ये हो गया मेरा बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी करो और फिर उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, ए कौन है एक्स वाई, और इधर से क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस बी यूनियन सी है दो तीन और चार, इसको क्रॉस करो, क्रॉस कैसे करेंगे, एक्स दो एक्स तीन एक्स चार, फिर वाई दो वाई तीन वाई चार। देखो पेपर में आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसे ही आपने निकाला बी यूनियन सी ये आ गया, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ऐसे बस लिख लो, जब आपको पता है इसको इससे करेंगे इससे भी इसको भी तीन ये आएंगे, वाई को करेंगे फिर तीन आएंगे, तो ये सारा निकाल के नहीं दिखाना है क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट बताने थे, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है छः आएगा, यहीं से पता चल रहा था दो ये हैं तीन ये हैं, तीन दूनी छः, तो नंबर ऑफ एलिमेंट छः, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। ये मैं आपको लंबा सारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डिटेल में जानना जरूरी है, और वैसे नॉर्मल तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक से टाइम बचाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेवन क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है वन प्लस एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स, और हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स, तो यही है एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक बार एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और निकाल के रख लो, स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर दो, ये लो, इसको और खोलना है तो ऐसे कर लो वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स इस पार्ट को, उसके बाद ये आ गया ये वाला, ये आ गया ये वाला, नीचे एफ ऑफ एक्स वही ये वाला, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है अब करते हैं, इसको रखें एफ ऑफ एक्स मतलब वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब वन प्लस एक्स का स्क्वायर, वन प्लस एक्स का स्क्वायर, वन प्लस एक्स का स्क्वायर, और नीचे वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स यही आया था ना, और फिर नीचे वन प्लस एफ ऑफ एक्स मतलब वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है होल स्क्वायर का मतलब अलग अलग, ऊपर वाला देखो इस वन प्लस एक्स से वन प्लस एक्स कट सकता है, तो ऊपर कितना आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी वन माइनस एक्स है ये भी वन माइनस एक्स है, इसके नीचे वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये नीचे वन है तो वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है अब ये वाला पार्ट नीचे वाला आपस में कट रहा है वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर वन माइनस एक्स के होल स्क्वायर से, ऊपर बचा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दो एक्स है दो एक्स क्या, ऊपर बच रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे बच रहा है एक और एक दो प्लस में दो एक्स स्क्वायर, नीचे दो कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लिया
ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स कर गया, 1/2 के साथ हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? एक एक स्टेप आराम से देख लेना, नहीं समझ आया है तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर माइनस टू, हमें निकालना है 1/x, मतलब कि एक्स को रिप्लेस करना है 1/x से, कर दो। तो एक्स को रिप्लेस करना है 1/x से, कर दिया। माइनस ये पहले ही नीचे है, इस देखो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में एक्स की पावर माइनस टू का मतलब एक्स की पावर एक्स की टू, ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसा है। तो इसको जब रिप्लेस करना है 1/x से, तो 1/x का स्क्वायर ऐसे रिप्लेस करेंगे, तो 1/x का स्क्वायर माइनस में ये 1/x स्क्वायर है, और ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ आ गया 1/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फ़र्क आया, ये प्लस का है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, ये माइनस का है 1/x स्क्वायर, ये प्लस का 1/x स्क्वायर हो गया। तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है एफ ऑफ 1/x जो है वो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1/x जो है 1/x वो क्या है, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। 9th, ये n है, ध्यान रखना 4 की पावर n माइनस 3 एंड माइनस 1, ये हमें दे रखा है x, और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। देखो इस चीज़ का बड़ा मेजर रोल है, n अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो n 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3 अप टू 100 लेंगे। अगर वहीं n कह दे होल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो n हमारा 0 भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, समझ गए। नेचुरल नंबर है तो 1 से ही शुरू होगा, इस चीज़ का ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं, एक्स दे रखा है 4 की पावर n माइनस में 3 एन माइनस में 1, एन नेचुरल नंबर है। वाई हमें दे रखा है 9 n माइनस 1, और n हमारा यहाँ भी नेचुरल नंबर है। एक्स और वाई को निकालो पहले तो, और फिर उन दोनों का यूनियन कर दो। क्वेश्चन समझ आया? तो एक्स निकालो सबसे पहले, 0 पुट करेंगे, 4 की पावर 0 1, और सॉरी 0 तो पुट करना नहीं, 1 से ही शुरू होगा नेचुरल नंबर, 1 पुट करो, 4 की पावर 1 4 माइनस 3 माइनस 1, तो 4 में से 3 गया 1, 1 माइनस 1 0। तो शुरू कहाँ से हुआ है, x 0 से, उसके बाद x 4 की पावर 2 16, 16 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 1, तो 16 माइनस 1 15, 15 माइनस 6 9, उसके बाद आएगा 54, ऐसे ये आता जाएगा जब 3 रखोगे। उसके बाद y निकालो, y आएगा 1 रखने से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा पहला, तो दूसरा आएगा 1 2 रखोगे तो 2 में से 1 गया 1, फिर से 9, तीसरा आएगा 3 रखने से 2 रखने से, अच्छा 2 हो गया, 3 रखने से 3 में से 1 गया 2, 9 दूनी 18, फिर रखेंगे 4 3 4 9 3 27, फिर रखेंगे 5 4 4 आया 9 6 36, ऐसे ही आएगा 9 का टेबल। अब इन दोनों का यूनियन, देखो यूनियन का मतलब है 0 इसमें है, 9 इसमें है, फिर इसमें 18 नहीं है, 27 नहीं है, 36 नहीं है, 54 होगा, फिर आगे यहाँ पे जो नंबर होगा वो भी इसमें होगा, फिर आगे जो नंबर, क्योंकि ये तो पूरा ही 9 का टेबल है, इसमें होगा। इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, वाई। इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, ये पूरा वाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 10th समझने का है, पहले इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि x दे रखा है, a दे रखा है x, और x क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल, मतलब 3, 6, 9, 12, 15 और अप टू चलता जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल ख़त्म होगा नहीं, तो ये भी हमारा आगे तक ख़त्म होगा नहीं। उसके बाद b बनाना है, b है x इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, 20, तो सोन। c है मल्टीपल ऑफ 12, 12, 24, 36, 48 अप टू सोन। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नल सेट, नल सेट क्या होता है, नल सेट होता है कि कुछ भी ना बचे, माइनस हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। तो यहाँ पे बताना है नल सेट कौन सा है। देखो नल सेट में ये है ए डिफरेंस बी यूनियन सी, ये है ए डिफरेंस बी डिफरेंस सी, ये है ए इंटरसेक्शन बी,
इंटरसेक्शन सी, ये है ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी। क्या करेंगे, डिफरेंस का मतलब माइनस, ए डिफरेंस बी करेंगे, ए में से बी का जो डिफरेंस है वो तो वैसे भी दो तीन डिजिट ही आ रहे हैं, कलर चेंज करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना इंटरसेक्शन वाले चेक कर लो, इसको जिसको चेक करते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन देखिए पहले, ए और बी का कॉमन क्या क्या है, ओ सॉरी हाँ इंटरसेक्शन होता है कॉमन, ए और बी का कॉमन क्या क्या है, तीन नहीं है, छः नहीं है, नौ नहीं है, बारह है। उसके बाद बारह के बाद क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे चौबीस आएगा, अट्ठाईस आएगा, पंद्रह के बाद यहाँ अठारह आएगा, इक्कीस आएगा, चौबीस आएगा, फिर चौबीस कॉमन आएगा। तो बारह कॉमन है, चौबीस कॉमन है, फिर छत्तीस कॉमन होगा, फिर अड़तालीस कॉमन होगा। अब आप देखो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो बारह चौबीस छत्तीस, मतलब बारह का टेबल आ रहा है, और बारह का मल्टीपल कौन था, सी। ये देखो ये दोनों सेम आ गए, अब ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। अब इंटरसेक्शन सी करोगे तो दोनों का इंटरसेक्शन तो क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन तो ये फिर से पूरा ही आ जाएगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन तो ये फिर से आता चला जाएगा। लेकिन अपने को बताना है नल सेट, तो जब ए इंटरसेक्शन बी और ये जो डिफरेंस है इसका मतलब होता है माइनस सी, तो जब आप करोगे तो इस पार्ट में से ये पार्ट आपका 12 24 36 48 में से माइनस हो जाएगा 12 24 36 48, तो ये हमारा नल सेट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ। क्लियर हुआ। 11 क्वेश्चन है, ए हमें निकालना है, बी भी हमें निकालना है, सी भी हमें निकालना है, सी गिवन है 3 और 4। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट, वेरी गुड, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, लेकिन बताने के इसमें पहले ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो, फिर ए और बी का यूनियन निकालो, उस ए और बी के यूनियन के साथ सी का मल्टीप्लाई निकालो, और उसके बाद इसका नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। क्वेश्चन अच्छा है, देखो एक्स बिलोंग करे डब्ल्यू से, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, होल नंबर, होल नंबर का मतलब यहाँ पे जीरो भी लेना है और तीन से छोटा हो, मतलब कि जीरो भी लेना है क्योंकि होल नंबर बोल दिया, सेट ऑफ होल नंबर्स, और एक और दो और तीन से छोटा, तीन नहीं बोला, अगर ऐसे बोलता एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री तो यहाँ पे आप तीन भी लेते, लेकिन उसने कहा एक्स तीन से छोटा मतलब तीन नहीं लेना, बंद कर दो। बी है नेचुरल नंबर, मतलब कि यहाँ जीरो नहीं ले सकते, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एक्स किस किस के बीच में है, दो और चार के बीच में, ऐसा है एक्स चार से छोटा, दो और दो से बड़ा, मतलब दो और दो से बड़ा में दो ले सकते हो, दो और दो से बड़ा में दो ले सकते हो, तीन और चार ले सकते हैं या नहीं, यहीं पे गड़बड़ करते हो, चार ले सकते हैं या नहीं, भाई नहीं ले सकते ना, क्योंकि चार से छोटा बोला है तो चार नहीं लेना, यहीं आके गड़बड़ करते हो, दो तीन चार जल्दी जल्दी में ले लेते हो तो गलती हो जाती है, क्योंकि सी में चार दे रखा है, यहीं गलती हो जाएगी, तो सी है तीन और चार। अब ए और बी का कॉमन, ए और बी का कॉमन मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए और बी का यूनियन, सॉरी ए और बी का यूनियन मतलब जीरो वन टू, यूनियन का मतलब क्या होता है, सारा, यूनियन मतलब होता है सारा कॉमन, इंटरसेक्शन होता है उन दोनों का, यूनियन होता है यूनियन होता है टोटल लेना, और इंटरसेक्शन होता है उसका कॉमन पार्ट ले लेना, तो जीरो वन टू थ्री क्या हो जाएगा इसका, ए और बी का यूनियन। अब क्रॉस सी है, ये हो गया सी, अब ये कितने बनेंगे, ए इससे करोगे एक, इससे करोगे दो, क्योंकि हमें सिर्फ बताना नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हमें इसे करके नहीं दिखाना, दिमाग चलाना, ये चार हैं ये दो हैं, मतलब चार दुनी आठ, एक बार ये इससे होगा एक, फिर इससे होगा दो, फिर वन होगा इससे तीन चार, फिर इससे पाँच छः, फिर इससे सात, इससे आठ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, आठ, करके नहीं दिखाना, ऑप्शन नंबर टू। अगला है 12th क्वेश्चन, इसमें है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन, ये एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन, जो बी से ए का निकालना है, तो नंबर ऑफ लिख लो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन जब निकालने हो, ठीक है, इसका फॉर्मूला अलग होता है, टू की पावर में चला जाता है, टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने हैं, चार, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, तीन, तो दो की पावर बारह, दो की पावर बारह याद रख लो 4096 होता है, दो की पावर 10 याद रहती है ना 1024, तो ऐसी दो की पावर 12 भी बहुत बार आता है, 4096 पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपका पेपर अच्छे से निकलेगा। अब आर हमें बनाना है, आर बनाओ, एक्स बिलोंग करे नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर मतलब वन से काउंट होगा, मल्टीपल ऑफ थ्री हो, एक्स जो हो तीन का मल्टीपल हो, लेकिन 100 और 100 से कम,
तीन का मल्टीपल हो तीन से शुरू होगा, छः भी होगा, नौ भी होगा, बारह भी होगा, पंद्रह भी होगा, सौ और सौ से कम, तो सौ तो आता नहीं तीन के टेबल में, निन्यानवे आखिरी होगा। एस होगा एक्स, एक्स बिलोंग कर एन से, मल्टीपल पाँच का और सौ और सौ से कम, पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस, लास्ट जाएगा पचानवे तक, सौ नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा सौ भी ले सकते हैं इसमें, तो पचानवे और सौ, क्योंकि सौ और देखो यहीं पे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आपको, कई बार कुछ छूट जाएगा तो क्वेश्चन गलत। पचानवे के बाद सौ भी लेंगे क्योंकि लेस देन इक्वल टू सौ है तो इक्वल सौ काउंट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं आर, देखो यहाँ एक बड़ा मस्त वाला स्टेप है, आर और एस का मल्टीप्लाई, उसका इंटरसेक्शन एस और आर का मल्टीप्लाई। अब आपको ये निकालना तो आता ही नहीं है, मतलब आता ही नहीं है का मतलब आर और एस का मल्टीप्लाई, आप तो कर करके पागल हो जाओगे, इसको इससे 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 कहाँ तक करोगे, सो तक, फिर छः को भी सबसे, फिर नौ को भी सबसे, ये तो हो जाएगा काम खराब। यहाँ पे आपको एक दिमाग चलाना था, ये प्रॉपर्टी मैंने सेट रिलेशन फंक्शन में करा रखी है कि अगर ऐसा आ जाए आर क्रॉस एस का इंटरसेक्शन एस क्रॉस आर से, तो ये प्रॉपर्टी होती है एक, ये इक्विवेलेंट होता है आर इंटरसेक्शन एस और क्रॉस एस इंटरसेक्शन आर से। अब आपकी बात बन गई इजीली, अब तो आप निकाल सकते हो। क्या किया मैंने, ये एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें ऐसा निकालना हो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हूँ, आर क्रॉस एस निकालना मुश्किल हो, एस क्रॉस आर निकालना मुश्किल हो, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन करना हो, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, आर और एस का इंटरसेक्शन, एस और आर का इंटरसेक्शन और बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। एस और आर का कॉमन क्या है, आर और एस में कॉमन क्या है, देखो पाँच नहीं आता इधर, दस भी नहीं आता, पंद्रह आता है ना, तो पंद्रह है इसका इंटरसेक्शन, उसके बाद बीस नहीं आएगा, पच्चीस नहीं आएगा और तीस, तीस आएगा क्योंकि यहाँ थर्टी आता है ना, थर्टी का टेबल में, तो तीस पंद्रह तीस, मतलब कि ये दिखा रहा है कि ये पंद्रह का टेबल बनेगा। देखो नॉर्मल सी बात है, ये तीन का टेबल है, ये पाँच का टेबल है, तो जो इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालने लगेंगे पाँच या पंद्रह, तो पंद्रह का टेबल इंटरसेक्शन बनेगा, तो पंद्रह तीस पैंतालीस साठ पिचहत्तर और नब्बे, बस नब्बे तक जाएगा क्योंकि नब्बे के आगे वाला जो पंद्रह एक सौ पाँच होता है वो यहाँ पे है ही नहीं दोनों में। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट, फिर एस और आर का, एस और आर में भी वही बात, आर और एस का क्रॉस या फिर इंटरसेक्शन या फिर एस और आर का इंटरसेक्शन एक ही बात तो है, वही पंद्रह तीस पैंतालीस साठ पिचहत्तर और नब्बे। अब क्या हो गया, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः क्रॉस एक दो तीन चार पाँच छः, क्योंकि अब कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई, पंद्रह का पंद्रह से करोगे, पंद्रह का तीस से करोगे, पंद्रह का पैंतालीस से, ऐसे फिर ऐसी तीस का इससे तीस का, तो मतलब छः इंटू छः मतलब छत्तीस हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, दिमाग चलाने वाला, इम्पॉर्टेंट। आज का आखिरी क्वेश्चन मैं कराऊंगी और 15 क्वेश्चन आपको करना है, फिर हम उसका जो सॉल्यूशन है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। ए हमें दे रखा है एक तीन पाँच सात, कार्डिनेलिटी, कार्डिनेलिटी वाला क्वेश्चन इजी है, मैंने कराया भी है अभी पीछे, कार्डिनेलिटी बतानी है सेट पी ए की, और कार्डिनेलिटी का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, जब भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट के निकालने होते हैं वो टू की पावर हो जाती है, टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अगर ए और बी दो हों तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हो जाता है, तो दो की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, चार, दो की पावर चार होता है सोलह, तो हमारी कार्डिनेलिटी ऑफ द पावर सेट कितना आ जाएगा, पावर सेट सोलह, सोलह के साथ मेरा ये आंसर करेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड। आखिरी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी दो सेट्स हैं, सच दैट हमें दिया गया ए क्रॉस बी में कंजिस्ट ऑफ छः एलिमेंट, तीन एलिमेंट जो हैं वो ये रहे, और तो हमें बताना है ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होगा या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, या ए क्रॉस बी एक चार एक छः और दो चार होगा, या ए क्रॉस बी एक चार एक छः और दो चार होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जिसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और वीडियो फिनिश करते हैं, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप बता दिया करो, ठीक है, नीचे लाइक का बटन होता है उसको दबा के शेयर कर दिया करो वीडियो को, कमेंट किया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी है, या और कौन सा टॉपिक आपको नीड है, कौन से टॉपिक पे आपकी कमांड नहीं है, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी या इंग्लिश हिंदी कुछ तो लिखा करो,
ठीक है, तो ये स्टेट की स्पेशल सीरीज है, बाकी सभी एग्जाम में ये काम आएंगे लेक्चर्स, ऐसा नहीं है सिर्फ स्टेट के लिए ही बन रहे हैं ये लेक्चर, सभी में ही काम आने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैथ्स के टॉपिक हर जगह काम आएंगे, कोई भी एग्जाम हो जाए, DSSB का एग्जाम 2022 में आएगा, KV का एग्जाम 2022 में आएगा, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ये चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नया अपडेट जो भी है मिलता रहे। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से, बाकी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, इस पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो आपकी क्वेरी है ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और जो भी कमेंट कीजिएगा उसका रिप्लाई आपको विद इन 3-4 घंटे में ही आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, और जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई दे देंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा वो फिर से एक इंटरेस्टिंग होगा, और जिसका आखिरी क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बाय बाय।